Hey guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है भारती और आप देख रहे हैं भारती फैमिली एंड फन। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई चिकन, जिसे बनाना है बहुत ही आसान। देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। हम ले रहे हैं 800 ग्राम चिकन, 4 बड़ी प्याज, लहसुन अदरक, खड़े गरम मसाले, साबुत लाल मिर्च। अदरक लहसुन और एक प्याज को हमें पीस लेना है। और कढ़ाई में लेंगे तेल, तेल में डालेंगे तेजपत्ता, तेजपत्ता डालने के बाद डालेंगे हम खड़े मसाले, उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च और प्याज, उसको हम बहुत अच्छे से सॉटे करना है। उसके बाद हम डाल देंगे चिकन। चिकन को हमें थोड़ा थोड़ा सा स्लिट करते हुए डालना है ताकि मसाले उसके अंदर जाएं। छोटा छोटा सा हम कट डालते जाएंगे सारे चिकन में। आज हम ले रहे हैं लेग पीस, ये है 800 ग्राम। पूरी सारी क्वांटिटी और क्या डालना है, कितना डालना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन है। अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद डाल देंगे हम नमक और हल्दी, इन सभी को बहुत अच्छे से मिलाना है। फिर 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढक के रख देना है। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे ओपन करेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च और धनिया। इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ इन्हें 2 मिनट तक और पकाएंगे। मसालों के साथ पकते पकते 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी और डाइस किए हुए अनियन, इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, 2 मिनट और पकाना है। इसमें डाल देंगे हरा धनिया और गरम मसाला और लीजिए रेडी है हमारा कढ़ाई चिकन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।